कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंदौर नगर निगम ने शनिवार को टी चौथरा मंडी में ड्रोन की मदद से दवाइयों का छिड़काव किया। इस दौरान निगम का अमला पूरी समय इलाके में तैनात रहा। इंदौर को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने ड्रोन की मदद से लेकर सब्जी मंडी में दवाइयों का छिड़काव किया। देखिए चौथरा मंडी में तो जो भी काफ़ी भीड़ रहती है प्रतिदिन, लेकिन आज कल का उस समय के प्रतिदिन की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। इसी को देखते हुए आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि मंडी का विशेष ख्याल किया जाए और यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए हमने, अब चूँकि भीड़ भाड़ आई है तो हमने ड्रोन के माध्यम से इसको सैनिटाइज किया जाएगा और जो हम प्रोडक्ट भी जहाँ जो केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं वो हर्बल है, पूरी तरह से सेफ है, किसी चीज़ पे गिरेगा या किसी व्यक्ति पे गिरेगा तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आवक हुई है तो क्या सफाई कर्मचारी और बाकी जो अमला है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा? ये सफाई कर्मचारी की तो रेगुलर व्यवस्था, वो सफाई तो टाइमली हो ही जाती है यहाँ पे। करीब यहाँ पे 25 सफाई कर्मचारी रहते हैं और उनका टाइम ये यहाँ से ये गाड़ियाँ जब हट जाती है तो उसके बाद वो सफाई करते हैं, वो कर लेते हैं। बड़ी निगम का अमला अभी शहर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। कहा जा रहा है कि निगम ने ये प्रयोग पहली बार किया, इसके पहले चीन में ड्रोन से दवाई का छिड़काव करवाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस प्रयोग के बाद अब ड्रोन की मदद से ही बाजारों, प्रमुख सड़कों और भीड़ वाले अन्य जगहों पर दवा का छिड़काव करेंगे। निगम ने पहले प्रयोग के रूप में करीब 30 मिनट में 16 लीटर दवाई का छिड़काव करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबांड न्यूज, इंदौर।